यार हम तो के सब उम्मीद करता हूँ हम सब बढ़िया होंगे। मेरी तरह स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल अभिषेक ब्लॉग्स पर। तो गाइस अपन जा रहे हैं आज सराफा में, आयुष भाई आने वाले हैं, आयुष भाई आएंगे अपन सराफा जाएंगे, और आज सराफा में अपन जा रहे हैं प्रियंका दीदी के पास, जहाँ यहाँ पे अपन ने पहले पास्ता का जो ब्लॉग शूट किया था, अगर नहीं देखा तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। तो वहाँ पर मैं जो दीदी मैगी भी बनाती है, मोमोज भी बनाते हैं, पिज्ज़ा भी बनाते हैं, पिज्ज़ा तो अपन ने ट्राई कर चुके हैं, तो आज अपन लेंगे मैगी और मोमोज ट्राई करेंगे और उसका रिव्यू आपको देंगे, बताते हैं कैसे के साथ आयुष भाई आते हैं और अपन सीधे आपको मिलते हैं प्रियंका दीदी के वहाँ पर। ठीक है, वापस आ चुके हैं प्रियंका दीदी के यहाँ। दीदी कैसे हैं? तो अपन ने इससे पहले दीदी का जो है पास्ता का जो ब्लॉग शूट करा था, जिसपे आपने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, तो आज अपन आए दीदी के यहाँ पर जो है मैगी ट्राई करने और मोमोज ट्राई करने। दीदी कौन सी मैगी बना रहे हो? मसाला मैगी बना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले आ चुका है पानी, ये आ गई अपनी मैगी। आयुष भाई क्या लगता है, दो मिनट में बनेगी नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। जब प्रियंका दीदी के यहाँ पे आए हैं तो अपन स्पेशल मैगी खाने आए, तो दो मिनट में बनेगी सच्ची। अभिषेक भाई हाँ ये बात भी है भाई। आयुष भाई ये आ गया मैगी मसाला। ये सॉल्ट आ गया थोड़ा सा, ये मैगी सॉस आ गया, ये चिली सॉस आ गया, ये जीरावन आ गया, इंदौर की जान जीरावन, ये मसाला मैगी मसाला है, कौन सा मसाला है वो मसाला? अच्छा सीक्रेट मसाला है दीदी का, और ओरिगेनो आ गया। क्या प्राइस है दीदी इसका? 60 रुपए इसका प्राइस है। 5 मिनट के लिए दीदी ने इसको जो ढक दिया है, 5 मिनट में अपनी जो मैगी रेडी हो जाएगी। अने जो बोलते हैं ना 2 मिनट में मैगी रेडी होती है, तो 2 मिनट में मैगी रेडी नहीं होती है। तो दीदी रेडी हो गई क्या मैगी अपनी? नहीं अभी 2-3 मिनट और, 2 से 3 मिनट और लगेंगे। तो भाई इसमें आ चुका अपना अमूल बटर, ये क्रीम आ गया, ये भी अमूल का है, ये क्रीम भी अमूल का है। तो गाइस जो अपनी मैगी है जो रेडी हो चुकी है, अभी जा रही सर्विंग बाउल में। ठीक है, तो आ चुकी है अपने सर्विंग बाउल में। और गाइस प्राइस की उसको बताना चाहूंगा, 80 रुपए प्राइस है। हमने जो मसाला मैगी है, नॉर्मल जो मसाला मैगी है तो उसका बताया था। ठीक है, इस मैगी का प्राइस है 80 रुपए, और अगर चीज में कराते तो 100 रुपए ना, और अगर चीज में तो 100 रुपए। तो अपनी जो मैगी रेडी हो गई हुई है, अब इसका अपन रिव्यू देके आपको बताते हैं कैसा क्या स्वाद है। ठीक है, अपने पास मसाला मैगी प्रियंका दीदी के हाथों की बनी हुई। इससे पहले अपने पास्ता वाला जो टेस्ट किया था, काफी यमी पास्ता था। अगर व्लॉग अभी तक नहीं देखा है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके देख लेना। अब मैगी ट्राई करके आपको बताते हैं कैसा क्या स्वाद है। आप देख सकते हो कैसी यमी लग रही है यार आयुष भाई, बहुत जबरदस्त। तो अपन इसको टेस्ट करके बताते हैं कैसा क्या स्वाद है। क्या बताऊं यार आयुष भाई, जिस प्रकार से दीदी का पास्ता टेस्टी यम्मी और चीजी था ना, इसमें चीज नहीं है, मगर जो क्रीम डाले, मसाले डाले और सॉसेज डाले ना, उसका जो परफेक्ट स्वाद और जो मुंह में ब्लास्ट कर रहा है ना, मजा आ जाएगा खा के। सराफा आ रहे हो, आओ प्रियंका दीदी के आगे पास्ता भी ट्राई करो, मैगी भी ट्राई करो, पिज्जा भी ट्राई करो, उसके बाद अभी हम ट्राई करने वाले उनके मोमोज, तो उसका भी आपको रिव्यू देंगे। इसको अपन एंजॉय करते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जो दीदी के पास मोमोज की वेरायटी है, इतनी वेराइटीज के जो मोमोज आपको मिल जाएंगे, स्टीम भी मिल जाएंगे, फ्राइड भी मिल जाएंगे, तंदूरी मिल जाएंगे, ये मोमोज का रेट है। गाइस पिज्जा की आप वेरायटी देख सकते हैं, ये वाली पिज्जा की वेरायटीज है, सैंडविच भी दीदी के पास मिल जाएंगे, मैगी की वेरायटीज है, कॉर्न चाट मिल जाएगी, पास्ता भी मिल जाएगा, सैंडविच पिज्जा, यहाँ पे वापस से वेराइटीज है। सॉस लग चुके हैं अपन ने जो 3 स्टीम वाले लिए हैं और 3 फ्राई वाले मोमोज लिए हैं, क्योंकि दोनों का टेस्ट आपको करके बता देंगे। 80 रुपए इसका प्राइस, अगर आप पनीर मोमोज लेते हैं स्टीम में लेते हैं तो इसका जो प्राइस है 80 रुपए,
फ्राइड में 90 रुपए और तंदूर में हो जाता है इसका प्राइस 100 रुपए। भाई जो है वो अपन इसको टेस्ट करके बता दो इसका कैसा क्या स्वाद है। अपन ने लगा लिए मोमोज की प्लेट, तो आप सबसे पहले देख सकते हैं कि मैंने जो मोमोज को बीच में से जो आप पनीर के जो पीसेस देख सकते हैं झलक रहे हैं बाहर ही झलक रहे हैं, ठीक है। इसको ट्राई करके बताते हैं क्योंकि जो मोमोज का असली स्वाद रहता है ना वो स्ट्रेंथ से पता चलता है कैसा क्या स्वाद है। तो अपन इसको बताते हैं कैसा क्या स्वाद है। बढ़िया तरीके से स्टीम हुए हैं और उसका जो अन्य दीदी ने इसमें वेजेस मिलाई और उसमें पनीर को जो पीसेस मिलाए और उसमें जो मसाला मिला परफेक्ट स्वाद आ रहा है। इसको मैं शेजवान के साथ भी आपको जो है चटनी के साथ भी ट्राई करके बता देता हूँ। चटनी भी अच्छी दिखी है, स्पाइसी है, ठीक है। अब आप कलर देखो भाई, कलर देखो चटनी का, वो स्पाइसी दिख रही है अलग ही, ये मायो दिए और ये वो दिया है। फ्राई में भी देखो अच्छी तरीके से फ्राई हुआ हुआ है, ठीक है। टेस्ट करके बताता हूँ कैसा क्या स्वाद है फ्राई का। पनीर भी अच्छी तरीके से फ्राई हुआ है, परफेक्ट स्वाद है। ओवरऑल रेटिंग की बात करूँ मैगी और इस मोमोज की तो 5 में 4.5 में दूंगा। जब भी आप सराफा आ रहे हैं दीदी के यहाँ के, आप जो है सारा मेन्यू कार्ड मैंने आपको बता दिया, जो भी आप ट्राई करना चाहे सैंडविच ट्राई करना चाहे मैगी पिज्जा पास्ता मोमोज जो भी आप ट्राई करना चाहे ट्राई कर सकते हैं, सभी बेस्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा, आपके भाई को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और जब भी आप सराफा आ रहे हैं तो पिज्जा प्रियंका दीदी के वहाँ पे आइएगा, पास्ता पिज्जा मैगी जो भी आपको ट्राई करना है आप ट्राई करिएगा, काफ़ी सभी का अच्छा स्वाद है। ये अपना आयुष भाई की चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाएंगे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों का शेयर करिएगा और अमेजिंग से इंदौर के जो वेज वाले फूड ब्लॉग अगर आपको देखना है तो दोनों भाइयों के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अमेजिंग से नए वीडियो में, जब तक लिटिल डेन टेक केयर, बाय बाय, बी आराम।